एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। आज हमने ये आंवले 1 किलो लिए हैं, जिनको अच्छे से धो लिया है, थोड़ा सा धूप में सुखा लिया है। अब हम इनको स्टीम करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। इनकी रेसिपी, हम आंवले की रेसिपी क्या बना रहे हैं वो बताते हैं आपको। तो ये देखिए, हमने आंवलों को स्टीम कर लिया है और मैंने इडली के सांचे में ही रख के इनको स्टीम कर लिया है। जो ये इडली का सांचा है ना, तो इसमें पानी डाल के और ये फट गए हैं 15 मिनट के अंदर ही ना, ये इस तरह से हो गए। देखिए अभी बहुत गर्म है, आप देखिए अगर कोई दाग है ना ऊपर, वो आप चाकू से निकाल सकते हैं इस तरह से। तो अब हम इनको एक बाउल में निकाल लेते हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं रादर, और इनको ठंडा होने देते हैं। अब ये देखिए जो उबल गए हैं ना आंवले, उनको अगर हम ऐसे ये बीच में से ऐसे प्रेस करेंगे ना, तो ये ऐसे खुल जाती हैं फांके। अगर आपको इससे भी कम पतला चाहिए तो आप इसको ऐसे करके ना चाकू से इससे छोटा पतला जैसा भी चाहिए वैसा कर सकते हैं। और ये जो गुठली है ना, इनको हम अलग निकाल लेंगे और इसको भी मैं धूप में ना थोड़ी देर सुखाऊंगी, ताकि मॉइस्चर जो है ना वो खत्म हो जाए। जब तक आंवला सूख रहा है हमारा, तब तक मैं आपको दिखा दूं, ये मस्टर्ड ऑयल है जिसमें हम बनाने वाले हैं कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। ये केवल 5 ग्राम मेथी को मैंने दरदरा कूट लिया है, सूखी हुई है, बिना रोस्ट किए ही मैंने कूटा है। ये मैंने सौंफ ली है, ये रेड चिल्ली पाउडर है, कलर के लिए 200 ग्राम नमक लिया है, हींग 2 पिंच हम यूज करेंगे। और ये देखिए, ये तो है सरसों की दाल, जो सरसों मस्टर्ड सीड्स होते हैं ना बड़े बड़े, उसकी दाल है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो ये तो होती है पूरी येलो, ये हमने ली है 25 ग्राम। और ये है देखिए, कलर फर्क लग रहा है ना, ये राई की दाल है, थोड़ा सा उससे छोटा दाना होता है और कहीं कहीं ब्लैक होता है। तो ये जो राई की दाल है ये ली है मैंने 50 ग्राम। तो और सौंफ जो है ये दरदरी कुटी 40 ग्राम। और यहां पे मैंने 1 कप यानी 250 ml सरसों का तेल लेके उसको पका लिया है और गैस को ऑफ कर दिया है। अब ये देखिए तेल हल्का गर्म रह गया है। अब हम डाल रहे हैं इसमें सबसे पहले हींग 2 पिंच, उसके साथ ही हम डालेंगे इसमें मेथी दाना कुटा हुआ, इसके साथ डालेंगे हम सौंफ, इसको एक बार हल्का सा चलाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे राई और सरसों की दाल, इसको भी हम हल्का सा चलाएंगे, गैस को बिल्कुल धीमा कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल आपको दिख रहा है ना, बस तेल हल्का गर्म ही है, बहुत ज्यादा बॉइलिंग नहीं है। इसमें डालेंगे अब ये रंग वाली मिर्ची, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जिससे कलर जो है वो बहुत अच्छा आता है। कुछ सेकंड्स के लिए इनको भूनेंगे, मसाले जलने नहीं चाहिए। और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें ये नमक, जो मेजरमेंट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। ये अचार बहुत बहुत बढ़िया बनता है, जरूर ट्राई कीजिएगा और झटपट बनता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। अब आप देखिए बहुत धीमी गैस है और ये कलर कितने अच्छे से इसका आ गया है। और अब हम इसमें ये ना सूखा हुआ आंवला जो है ये डाल देंगे, इसमें मॉइस्चर ना रहे। आप पंखे के नीचे सुखा लीजिए, आप धूप में सुखा लीजिए, बट ये अचार जरूर बनाइए, जरूर खाइए, बहुत यम्मी लगता है। और ये ना मसाला है काफी सारा, यानी आप अगर खिचड़ी के साथ खा रहे हैं तो आप ये मसाला भी उसमें डाल के खा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको सारे आंवले को मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया ये मसाला कोट हुआ है इसके ऊपर। इसको सारे आंवले को हम डालेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट मुझे इसको बहुत स्लो गैस पर भूनते हुए हो गए हैं और कलर कितना बढ़िया आया है। अब मैं 1 चम्मच चीनी, इसमें केवल 1 चम्मच चीनी डालकर भी इसको चला लूंगी, मिक्स करूंगी। ये देखिए कितना बढ़िया कलर, कितने बढ़िया ये मसाले हैं। और बस हमारा ये अचार बनकर तैयार है। इसकी करते हैं प्लेटिंग।
तो ये देखिए हमारा यमी सा अचार जो है वो बनकर तैयार है। और यहां मैं आपको बताऊंगी कि नमक आप ना पहले 100 ग्राम ही डालिए, फिर उसको डालकर चेक करिए, क्योंकि कुछ लोग तेज नमक खाते हैं और कुछ कम खाते हैं। तो देखिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। बहुत ही बढ़िया ये अचार बनकर तैयार है।